निजामपुरा भागाचे नगरसेवक अफसर खान यांनी नवनिर्वाचित खासदार इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. खासदार इम्तियाज जलील यांच्याकडून माझ्या जीवाला धोका असल्याचं पत्र अफसर खान यांनी पोलीस आयुक्तांना दिलंय. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर विजयी रॅलीमध्ये इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद शहरातील अवैध दारू बंद करू आणि या धंद्यात असलेल्या काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाला धडा शिकवू असं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर या दोघांमधला वाद विकोपाला गेला होता. थेट नगरसेवक अफसर खान आपल्या बरोबर आहे. अफसर खान, काय नेमकं आरोप आहे तुमचा इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात? इम्तियाज जलील ने ऐसा कहा है कि कुचल डालूंगा और कुचलने की शुरुआत बेगमपुरा से करूंगा और ये जब से सुनकर आए हैं ये सबको मतलब ऐसा समझ रहे कि ये लोकशाही में भारत से चुनकर नहीं आए, उत्तर कोरिया के किंगजॉन चुनकर आ गए ऐसा वो समझ रहे हैं. तो विरोध में काम किया उसको कुचल डालेंगे बोल रहे हैं, उसको मार डालेंगे बोल रहे हैं. अनेक लोगों ने सिटी चौक में भी कंप्लेन किया है, जैसे माजी महापौर रशीद खान मामू ने, इलियास किरमानी माजी कारपोरेटर, नादर नादी चौक माजी कारपोरेटर, जितने लोगों ने इनके विरोध में काम किया सबको गद्दार बोल रहे हैं. और हैदराबाद में जो है तो इनका पैटर्न जो चलता है कि विरोधियों को उठने नहीं देते, इनके छह आमदार और एक खासदार चुनके आते हैं, तो वही पैटर्न वो औरंगाबाद में लागू करना चाह रहे हैं कि विरोधियों को दबाकर अनेक कुछ भी उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर और मारने की बात कर रहे हैं. उनके एक आदियों भी मेरे को आया है, उनके उन्होंने डालने लगाया है कि सफेद कफन पहना देंगे. तो सफेद कफन पहनाने की वो बात कर रहे हैं, हमारे में मरने के बाद ही सफेद कफन पहना देते हैं, तो ये मारने वाली बात हुई ना, तो इसलिए मैंने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन दिया हूँ. पुलिस कमिश्नर साहब के पास मैं गया था लेकिन वो डीजी साहब आए तो नहीं मिले, तो उसको इन्वर्ट किया हूँ. इस तरह की भाषा वापर रहे हैं और सबसे प्रेशर डाल दिया, अभी आमदार की इलेक्शन आने वाली है, मतलब सबने सबके उनसे कोई काम नहीं करना और ये जानपूर्वक लोगों को कर रहे हैं और शहर का लाइन ऑर्डर खराब करना चाह रहे हैं. इनकी नीति से कि रात दिन एक करके लोगों को बहकाना लोगों के, और ये जितने भी लोग इम्तियाज जलील के साथ रहते प्रेम कानपुरा में भी आपने देखा होगा. अफसर खान, तुम्ही तक्रार तर दाखल केलेलीच आहे, पोलीस कारवाई करतील, पण कुठेतरी सामंजस्यानं तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होणार आहे का? हो, मी तो विनंती केली ना पोलीस कमिश्नर साहेबांना, बेगमपुरा पोलीस, और मेरे अगर जांच में उसको धोखा होता है और मैं मरता हूँ तो उसका जिम्मेदार खासदार इम्तियाज जलील होगा. पोलीस कमिश्नर साहब ने, पोलीस प्रशासन ने, मेरी जान अगर कहीं भी जाती है ये लोग लेंगे. हिमायत से मेरे को धोखा इम्तियाज जलील से, और अगर मेरी जान जाती है तो मेरी जान का जिम्मेदार इम्तियाज जलील खासदार होगा. धन्यवाद तुमची प्रतिक्रिया दिल्याबद्दल. औरंगाबादच्या बेगमपुरा भागाचे हे नगरसेवक आहेत अफसर खान, यांनी थेट इम्तियाज जलील यांच्यावर जीवे मारण्याचा धमकी दिल्याचा आरोप केलेला आहे आणि या संदर्भात त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार सुद्धा दाखल केलेली आहे. इम्तियाज जलील खासदार आहेत एमआयएमचे, या निवडणुकीमध्ये इम्तियाज जलील निवडून आलेले आहेत आणि थेट इम्तियाज जलील यांच्याकडून माझ्या जीवाला धोका असल्याचं पत्रच अफसर खान यांनी पोलीस आयुक्तांना दिलेलं आहे.